छोले हर किसी का सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ छोले की एक न्यू रेसिपी, जिसे बनाना भी काफी आसान है और टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 250 ग्राम छोले ले लिए थे, इसे रात भर भिगो के रख दिए थे, ये अच्छे से फूल गए थे। अब इसे हम उबालने के लिए रख देंगे। एक प्रेशर कुकर में छोले डाल देंगे, पानी डाल देंगे, 3 छिले हुए आलू, थोड़ी सी हल्दी, नमक। इसे 5 से 6 सीटी आने तक हम उबालेंगे। फिर हम ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन ले लिए हैं। प्याज को टुकड़ों में काट कर अच्छे से हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। प्याज का पेस्ट बन गया है, ऐसे ही हम टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे लहसुन मिर्च का भी पेस्ट बना लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल और 5 हरी मिर्च। इसे अच्छे से तल लेंगे तेल में। इस मिर्च को आप ज़रूर तलें, लास्ट में बताते हैं इसका काम क्या है। फिर उसी तेल में हम डालेंगे जीरा, 2 तेज पत्ता, प्याज का जो पेस्ट बनाए थे वो डाल देंगे। आप और भी खड़े मसाला डाल सकते हैं, हम पिसा हुआ खड़े मसाला डालेंगे, तो यहाँ पे हम ज़्यादा मसाला नहीं डाल रहे हैं खड़े वाले। प्याज को अच्छे से भूनेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन और मिर्च का पेस्ट जो बनाए थे, इसे भी अच्छे से भूनना है हमें। फिर हम डाल देंगे जो टमाटर का पेस्ट बनाए थे, आप इस रेसिपी में जो मसाला है वो बाद में डालें टमाटर के बाद। हम यहाँ पे मसाले का एक मिक्सचर बनाएंगे, जिसमें डालेंगे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, छोले मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च। पानी डालकर इसका अच्छे से घोल बना लेंगे। इधर हमारी टमाटर प्याज की ग्रेवी भी पक रही है। अब जो मसाला बनाए थे इस ग्रेवी में डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक तेल अलग ना होने लगे तब तक आप मसाले को पकाएं। इधर चना भी अच्छे से उबल गया है, इसे अच्छे से एक बार देख लेंगे। मसाला भी पक चुका है। फिर जो चना उबाले थे छोले, उसे पूरा ग्रेवी में डाल देंगे पानी के साथ। आलू को थोड़ी सी टुकड़ों में तोड़ेंगे हम, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी के साथ। आप इसका पानी फेंके ना। इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये छोले की रेसिपी पूरी के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आपको ज़्यादा पानी वाली चाहिए तो आप इसमें अलग से पानी भी डाल सकते हो। छोले बनकर तैयार हैं। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ती। आप इसे गर्मा गर्म पूरी के साथ सर्व करें, चावल के साथ भी सर्व करें, जीरा राइस के साथ भी ये परफेक्ट जाएगा। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अब जो हम मिर्ची फ्राई किए थे छोले में डाल देंगे, इसका काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है छोले में। फिर इधर हम गर्मा गर्म पूरियाँ निकाल लेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और छोले पूरी इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।